अतर सिंह सैनी जी हैं पूर्व मंत्री, और आप लोगों का आज जो ये मीटिंग है इसमें मैं तो आपका धन्यवाद करने के लिए मैंने ये मीटिंग कही थी कि अपने साथियों को बुलाओ, क्योंकि यहां कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, क्योंकि ये नहीं होता कि हर कार्यकर्ता पूरा 100% अपना दे, किसी की क्षमता 10% होती है, किसी की 60% होती है, किसी की 25% होती है, लेकिन जिसकी जितनी शक्ति थी उस हिसाब से उसने काम किया। तो आपका सबका धन्यवाद, वैसे तो धन्यवाद तो करेंगे प्रेमलता जी, लेकिन इससे पहले कि हम धन्यवाद करें आपका हमारे साथियों का, मैं ये चाहूंगा कि इस मीटिंग में आप अपने मन की बात भी करो, क्योंकि इस चुनाव में हमारे को कामयाबी नहीं मिली जबकि आपने प्रयास बहुत किए, तो खुल के अपनी बात कहोगे तो हमारे को भी पता लगेगा, क्योंकि मैं लंबे समय से राजनीति में हूं, पहली बार मेरा हिसाब किताब गड़बड़ाया है और उसके कारण मैं ढूंढ रहा हूं, अभी तक मिले नहीं है मेरे को। हो सकता है आपकी बातों में से कोई बात ऐसी निकले जिससे हम सही कारण को ढूंढ सके, क्योंकि आज कारण अगर आप अपने मन से बता दोगे तो उसको फिर हम उसको दूर करने की, उसको ठीक करने की, और कोई अच्छी बात बताएंगे तो उसको आगे बढ़ाने की, इन बातों पे हम पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन उससे पहले आप जो भाई भी कोई लेक्चर देने की बात नहीं है, मोटी मोटी 5-4 बात 10 बात, असल में तो सबने भी आया है, लेकिन कहीं जो सोचे हो लिया इलेक्शन क्यों काम कहा रट्टा छेड़ा, लेकिन ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको अपना काम, अपनी कमियां, हमारी कमी आपकी कमी एक ही बात है, ये बताने से ही हम कुछ आगे कुछ कर सकते हैं। बाकी लेक्चर तो मैं बाद में दूंगा, अभी तो आपको सिर्फ इतना ही कहना है, ये जो भी डॉक्टर जांगड़ा से आप अपनी पर्ची भेज दो, जिसने भेज दी हो, और ये फिर आगे बढ़ने का क्रम शुरू करेंगे।